सीट पर भी यदि प्रत्याशी मायावती के हार जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, उसके राजनीतिक जीवन के दुकान का, राजनीतिक दुकान का ताला बड़ा बड़ा भटक जाएगा। अलीगढ़ का ताला बसपा के यूपी के कार्यालय में अलीगढ़ का ताला भटक जाएगा और उस ताले को अब खोलने वाला कोई नहीं होगा। ममता बनर्जी जो है उनके द्वारा जय श्री राम कहना पड़ेगा तो उनको जेल भेज दिया गया और माननीय योगी जी का भी कपड़ा नहीं दिया गया। मेरे भाई कौन सी पिता प्रहलाद का जो है राम का नाम लेने पर पीटता था, मारता था, जेल में डालता था, तो क्या हो गया इसके बाद जो हुआ उस समय जो हुआ वही समय होगा। कौन सी था ना प्रहलाद को जो है मारता था है? तो क्या हो जाएगा उससे, तो वो भी नमकीनी है निश्चित रूप से। जब मैं तो लंकिनी के कल्चर में ममता बनर्जी है, जैसे जैसे मिस्ट्री थी कि लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी को रोकी थी ना, लेकिन हनुमान जी एक ही मुक्का मारे, एक ही मुस्टिका प्रहार किए, उसका जैसा तहस-नहस हो गया। तो मुस्टिका प्रहार को प्रजातंत्र में होगा नहीं, लेकिन जनता जो मुट्ठी बांध करके भारत माता की जय बोलेगी, वंदे मातरम बोलेगी और उसका जय नाश हो जाएगा। क्या कारण है भदोही से मरिया मुक्ति का दिया गया ऐसा देखिए, अब ये उनकी जन्मभूमि भदोही में बढ़िया काम किया है और वहाँ पर अपने समाज को डिमांड बन रहा था, लेकिन यहाँ जो बलिया में भेजने का उनका उद्देश्य है कि भाई अपनी जन्मभूमि का भी कुछ सेवा करें, भेजा गया है। पार्टी की अपनी व्यवस्था होती है और व्यवस्था के तहत जो जो निर्णय होता है होता है, ये कोई विषय नहीं, ये तो अपने ऊपर के नेताओं का निर्णय है, वो अपना जैसा सोचे। आगे आने वाली सरकार से केंद्र आगे सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए केंद्र अब क्या अपेक्षा मत करिए, अब कुछ भी बाकी नहीं रहे, अब आगे आने वाले 5 साल में कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे आदरणीय नेता मोदी जी महानेता का दो ही तो चिंतन है कि गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे, उसमें क्रमांक एक पर है गरीब कैसे आगे बढ़ेगा। गरीब आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ेगा। आप ही ने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है बताइए, अब संविधान में हम जज नहीं है कि तारीख पर तारीख रोकते जाए। हम यदि जज होते, मैं यदि जज होता, मुझे दुख इस बात का जरूर है कि राष्ट्रीय मुद्दा के इतने अहम बड़े मुद्दा को भी हमारे पूजनीय जो माननीय और सम्मानित जज हैं उसको मान्यता से नहीं मिलेगा। अच्छी बात नहीं, किसी भी देश में अच्छी बात नहीं। हमारे माननीय जजों को इसको प्रथम वरीयता का विषय मान करके तत्काल सुनवाई करके निर्णय देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है, इससे तनाव बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है तो समाज में तनाव बढ़े, इसलिए संविधान बनाया गया तो तनाव न बढ़े। और जज भी, माननीय जज भी, सम्मानित हमारे जज भी, मैं टिप्पणी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना संवेदनशील होना चाहिए हमारे जजेस, उस राम मंदिर को देखो संवेदनशील नहीं है, और ये अच्छी बात न्यायपालिका थी नहीं। हिमालय गांव के मेजर रमेश चंद्र पाठा बलिया लोकसभा से खड़े हैं, उनका कहना तो उन्हें वीरेंद्र सिंह उमर के खिलाफ हुआ किया है क्या? आई तो देखिए, अब कहने के लिए तो सब लोग कहते ही है कौन क्या माफिया है और कौन क्या नहीं माफिया है। तो हकीकत दिए गए तो भू माफिया तो असली जानकार चौधरी है, भू माफिया तो असली जो है असली का तो आप देखेंगे कि गामा चौधरी है, भू माफिया तो सब सपा में है। आप लोग तो बड़े भू माफिया की बात करते हैं, सपा के प्रत्येक कार्यकर्ता भू माफिया है, खेत रहता है दूसरे का और जुट लेते हैं सब दूसरे, खेत होता है कोई और काट लेता है सफाई। और पहली बात दो वर्ष के शासन में योगी जी के शासन में हमारे शासन में कोई भी अत्याचारी बाबा की धरती पर बलिया की धरती पर सब कुशल नहीं है, सब लोग का नाम हमारे योगी ने बिल्कुल कह दिया है कि अपराधियों की जगह या तो जेल है, अपराधियों की जगह या तो जेल है, नहीं तो राम नाम, राम नाम सब तरह का मार्ग है और दो ही मार्ग है। ये बताइए राम मंदिर के मुद्दे के साथ सभी संत समाज आपके साथ है, लेकिन राम मंदिर न बनने से वही अखाड़ा के संत नाराज हो, क्या रहें जब नहीं देंगे वो, इसका प्रभाव पड़ेगा आपसे? देखिए जो पढ़े लिखे वास्तव में संत है वो मजदूरी से बदले, सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से जो चीज करवाना है और उसमें बहुत टिप्पणी करना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार के हमारे मोदी जी ने इस बार जो राम लला का दर्शन नहीं किए हैं तो केवल उद्देश्य उनके मन में हमारी समस्या कल्पना मेरी है कि यही है
कि भव्य राम मंदिर में ही जाकर के दर्शन करेंगे। हम तो उम्मीद है कि वो आगामी वर्ष में बना देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने भाजपा के सीट मिलेगी? अच्छा, हमको तो भाई देखिए अभी इतना तो मुझे प्रदेश का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जैसा हवा चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि उनको कम से कम जाती है तो क्रॉस हो जाएगा। पिछली बार से हम लोग इनको करेंगे। इस प्रकार से 2014 में कोई नाम की लहर चली थी, इसमें से यूपी में भाजपा ने 63 सीटें ली थी, क्या है कि वही लहर अभी काम है? लहर के नहीं है, लहर जो है भूचाल बन गया है, तूफान बन गया है, बवंडर बन गया है। और आज की स्थिति में जो है 2014 नहीं है, 2019 बिल्कुल लगता है कि सबको उखाड़ फेंकेगा, सब विपक्षियों को उखाड़ फेंकेगा, सब भ्रष्टाचार की तरफ में है। गजब का तब चुनाव हो रहा है इसका। इस बार जितने लुटेरे हैं एक तरफ और जितने अपने को बर्बाद करने वाले हैं भारत के लिए, अपना चिंतन करके अपने 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 को नष्ट कष्ट में डाल करके देश को चलाने वाले लोग हैं, एक तरफ लूटने वाले हैं, एक तरफ लुटाने वाले हैं, एक तरफ अत्याचार करने वाले हैं, एक तरफ सदाचार करने वाले हैं, एक तरफ जो है व्यभिचार करने वाले लोग हैं समाज में। तरफ कैसे लोग सपा और बसपा के शासन में खुलेआम आज किसी की बेटी बड़ी को पकड़ लेना और ये करना, आज हिम्मत करता भी है तो जेल में जाता है। तो ऐसे लोग जो है सपा और बसपा के साथ में, उन सबों को तो सबसे बड़ा हाफा डाफा हो गया है कि अब क्या होगा दादा, अब तो CBI का जान मायावती पर भी चल ही रहा है, अब एक बाकी है अखिलेश, तो अखिलेश पर भी चलेगा ही चलेगा। एक तरफ सारी पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना जाती है, एक तरफ भाजपा तेज चुनाव लड़ रही है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सवाल ये है कि भारत भूमि पर हमेशा नरेंद्र मोदी और त्याग का पूजा करें, कभी भी त्यागी गांधी बैरिस्टर की डिग्री लेकर के जब मोदी में आया तब देश की जनता उसके सम्मान में सर ऊपर आई। सुभाष चंद्र बोस IAS पास करने के बाद जब देश रक्षा के लिए छोड़ लेके आए तो भारत की जनता उनके साथ आई। राम राजगद्दी छोड़कर के जब चले समाज रक्षा में तब पूरा लोग भगवान माने। कृष्ण अपने द्वारिकाधीश छोड़ करके जब वनों में गए ग्वाल बालों के साथ गए तब सम्मान कर। तो इस भारत भूमि की रक्षा हमेशा त्यागी और तपस्वी लोग किए हैं, कोई जो है अत्याचारी और लुटेरे और व्यभिचारी नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सालाना 72,000 रुपये देंगे, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसको ज्ञान ही नहीं है कि 72,000 होता कितना है। वो तो केवल जो है चेक काटता है, कोई चेक काटने वाला हो सकता है दूसरा हो, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, लेकिन मैं तो उसको जहाँ तक ज्ञान है कि अंग्रेजी भले पढ़ लिया हो लेकिन गणित तो उसको गणित का थर्ड डिविजन विद्यार्थी है। राहुल गांधी गणित का हो सकता है कि थर्ड डिविजन विद्यार्थी हो, क्योंकि 72,000 1200 में उसको अंतर समझ में आता है, क्योंकि चोकर और चीनी का भाव नहीं समझता है वो, चोकर और चीनी में अंतर नहीं समझता, जानता है कि सफेद बोरी में चीनी भी होता है और सफेद बोरी में चोकर भी होता है, जाता है कि चोकर का भाव और चीनी का भाव एक ही होता है। राइफल वही ना है, वो समझ ही नहीं पाया कि भाई मिजाइल लगा हुआ जब एरोप्लेन खरीदा जाएगा तो उसका कीमत बढ़ेगा और सामान्य किया जाएगा तो उसका कीमत घटेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसको चोकर और चीनी का भाव मालूम नहीं है, उसको दोनों बोरे के चोकर दिया जाए, कह दिया जाए कि ये चोकर है 1200 का मिलेगा, वो कह दीजिए कि 4000 मिलेगा, क्यों ये भी सफेद बोरा है इसको भी 1200 को मिलना चाहिए। अरे भाई बुद्धिमान मूर्ख आदमी, मैं तो यही कहूँगा कि बुद्धिहीन है, वो बुद्धि का विकलांग, वो बुद्धि का विकलांग है, उसको जो है वो बुद्धि की बैसाखी चाहिए, बुद्धि का विकलांग है, जो कागज मिलेगा तो पढ़ देगा और नहीं मिलेगा तो नकलची राजनेता है, वो शुद्ध रूप से नकलची राजनीतिक विद्यार्थी है, उसके पास कोई न ज्ञान है न कोई बुद्धि है और शुद्ध रूप से जो है वो होटल की संस्कृति वाला है। चुनाव जीतने या हारने के बाद आप लोग देख लीजिएगा कि टिकट कटाएगा इटली का और जाकर वहाँ के होटल में इटली डोसा खाएगा। इसी में बलिया से आने वाले गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे द्वारा ये कहा गया कि भाजपा के जो प्रत्याशी उनका जमानत जब्त होगा, इनके बारे में क्या कहना है? ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें चलने की भी ताकत नहीं होती, लेकिन कहते हैं तब हम शांतिराम से ही लड़ेंगे। सनातन पांडे की वजह से विधानसभा में एक प्रत्याशी को नहीं हरा सका, 5 बार से हार,
और हमारे प्रत्याशी से लड़ने की बात करें, बलिया में मोदी जी के चरित्र और ईमान का झंका फिरा मेरे भाई। कल आप लोगों ने देखा होगा, शायद आए होंगे तो, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40,000 लोग इकट्ठा करके बैरिया विधानसभा क्षेत्र का सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि बैरिया से कम हमारा प्रत्याशी 1,00,000 वोट मिल जाते, 1,00,000 वोट माने जाते। कल जितने लोग आए थे उतने से यदि 5 से भी आप गुणा कर देंगे तो हम लोग का होता है तो 1,50,000 तो ग्रह छोड़ होगा, आप 100% तो नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ सपा के प्रत्याशी का जवाब हम जब्त कर दूंगा। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में तो सपा प्रत्याशी का जवाब जब्त कर दूंगा, और मुझे भरोसा है कि मैंने दो वर्षों में हमारे मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है, हमारे नेता मुस्त जी ने भूमि है, इसलिए पूरा दावा की जनता अपना बेटा नेता मान करके इनको समर्थन दे रही है, मऊ से आकर के आज यहाँ जो है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी संसद में आग मारते हैं और प्रियंका गांधी जी ये कहती हैं कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ लोग मोदी से नाराज मिलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बड़े भाई राहुल जी को पार करके आँख मारते हैं, आँख मारना हाथ मारना इस कांग्रेसी के संस्कृति में, तो 6 बजे के बाद होटल और होटल में जब चले जाते हैं सब, तो उन सबों की संस्कृति ऐसे आँख मारने वाली हाथ मारने वाली। अब हमारे भाई हम लोग यहाँ तो रोटी और लोमोटी वाले लोग होते हैं और मतलब रोटी और बोतल वाले लोग, तो रोटी और बोतल के जो संस्कृति के लोग हैं, रोटी और बोतल वाले लोग हमेशा या तो आँख मारेंगे नहीं तो हाथ मारेंगे, तो आँख हाथ मारने वाला भला से देश का भला नहीं होने वाला है। और भारत की जनता समझती है मोदी जी की लंगोटी और योगी की लंगोटी को सम्मान दे रही है, और कल का भारत साधकों का भारत बनेगा, और प्रजातंत्र भी साधनापूर्ण जीवन जीने वाले लोग भी प्रजातंत्र में राजनीति कर पाएंगे, ऐसा स्वरूप और भारत में देखने को मिलेगा। बुआ और बबुआ, बुआ जी उम्र दराज है, बबुआ छोटा है, तो बुआ बुआ को बुआ जो है बबुआ को भी प्रचार चला सकती है, प्यार दे सकती है, स्नेह दे सकती है, राजनीति का भला राजनीति का लाभ भी दे सकती है। तो हकीकत यह है कि बुआ और बबुआ की जोड़ी जो है केवल जोड़ी शब्द नहीं है, बुआ और बबुआ का जोड़ी बनेगा कहाँ से, एक बबुआ है एक बुआ है, तो बुआ का कुछ जो है अपना स्नेह सम्मान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जोड़ी कहाँ से बनेगा, वो तो हमेशा जो है कुछ जोड़ी है। मैं तो ये कहना है